अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, आज मैं शेयर कर रही हूँ चिकन ड्रम स्टिक्स की रेसिपी। इसके लिए मैंने ले लिया है चिकन, ये 5 लैग पीस है मेरे पास, 1 किलो से थोड़ा कम है। और इसके लिए मैंने ले लिया है जिंजर गार्लिक पेस्ट है, ये चिली हरी मिर्च को मैंने ग्राइंड कर लिया, और ये सारे स्पाइसेस हैं। गरम मसाला है 1 टीस्पून, छोटा चाय का चम्मच हमें लेना है, और छोटा चाय का चम्मच लाल मिर्च है, कुटी मिर्च है, ज़ीरा पाउडर है, और पिंच ऑफ ब्लैक पेपर मैंने लिया है, और 1 टेबलस्पून सॉल्ट है, पिंक सॉल्ट। और इसमें मैं थोड़ा सा ऑयल ऐड करूँगी, लेमन ऐड करूँगी, 1/2 लेमन। और बाद में जब ये मैरिनेशन के बाद मैं इसको जब फ्राई करूँगी, तो उसके लिए मैंने 1 कप मैदा लिया है, और उसमें 1 टेबलस्पून कॉर्नफ्लावर ऐड किया है। चिकन में पहले जो है मैं इसमें अच्छे से जो है इसमें कट लगा लूँगी, क्योंकि ये चिकन जो है इसके पीस थोड़े थिक है, और इसका जो मसाला है वो अंदर तक अच्छे से ऑब्जर्व होना चाहिए। और इसको आप मैक्सिमम 3 to 4 आवर्स के लिए आपने रखना है मैरिनेशन के बाद। अच्छे से आपने इसमें जो है थोड़ा गहरा कट लगाना है। इसमें मैं 2 टीस्पून छोटा वाला चाय का चम्मच अदरक लहसुन भर के सही से ऐड करूँगी। और ये सारे स्पाइसेस इसमें सब एक साथ ऐड कर दूँगी। लेमन इसमें मैं ऐड कर दूँगी, स्क्वीज कर दूँगी। अब थोड़ा सा ऑयल ऐड करूँगी, ज़्यादा नहीं, बिल्कुल थोड़ा सा। अच्छा, अब इसको हम फ्राई करेंगे। इसको मैं दोबारा मिक्स कर लेती हूँ अच्छे से, और इसको मैं पहले मैदे में और कॉर्नफ्लावर में थोड़ा रैप करूँगी सही से। कॉर्नफ्लावर 1 टीस्पून मैंने बस ऐड किया था मैदे में, 1 कप मैदे में। अब मैं इसको, ऑयल गर्म हो गया, इसमें ऐड कर दूँगी। इसको एटलीस्ट आपने 15 मिनट्स कुक करना है, जब ये थोड़ा अच्छा सा अंदर से अच्छे से जो है ना ये फ्राई होगा। अच्छा व्यूअर्स, ये देखें अच्छा सा फ्राई होने लगा है हमारा, एक साइड से तो हो गया। मैं इसको टर्न करूँगी, और ये देखें यहाँ पे ये कितना अच्छा सा कलर आ गया, और ये अच्छा खासा, ये मैंने 15 मिनट्स इसको कुक किया है, तो ये अच्छा सा फ्राई हो चुका है। अब मैं इसको सर्व करूँगी। आप इसको बन के साथ और सिंपल प्लेन राइस या पुलाव के साथ भी आप इसको इन्जॉय कर सकते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज़।